डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5% सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4.10H2O मॉलिक्यूलर वेट 322 दिया है, इज आइसोटॉनिक विथ 2% सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस एक्स, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स। देखिए यहाँ पर एक बात आप यहाँ पर समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रोलाइट को नॉन इलेक्ट्रोलाइट के साथ कंपेयर करवा रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक बात ये मालूम है कि आइसोटॉनिक अगर सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन कैसा है आइसोटॉनिक है, तो उस केस में जो होता है दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो पाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई टू हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो Na2SO4.10H2O जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट है तो इससे आपको दो सोडियम आयन और एक सल्फेट आयन मिलेगा सॉल्यूशन में, यानी टोटल यहाँ पर 3 आयन मिलेंगे, और इसका मतलब है कि यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। लेकिन X जो है वो कैसा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, X कैसा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होगा। बात समझ में आई ना, ठीक है। तो चलिए आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया क्या, I C1 RT लगा दिया, इक्वल टू लगा दिया IC2 RT आपने लगा दिया, सही है ना। अब यहाँ से RT जो होगा कैंसिल हो जाएगा, आपको याद आ रहा है पाई इक्वल टू क्या होता है ICRT होता है, ठीक। C क्या है, C मोलैरिटी है। अब मोलैरिटी है बट आपको गिवन क्या है, गिवन जो है वो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको याद आ रहा है कि जो परसेंटेज दी जाती है वो क्या होती है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होती है। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट 5% ये दिया हुआ है, कौन आपका Na2SO4 दिया हुआ है, ठीक है ना, Na2SO4, और 2% जो आपको दिया हुआ है वो X दिया हुआ है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, ठीक। अगर हम मोलैरिटी को वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो जरा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप कर भी सकते हैं, दिमाग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए आपने लिखा क्या, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू हो जाता है क्या 1000 बाय होता है क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, सही। अब जो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये क्या होता है, ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है ना, ये जो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है। तो अब आप यहां से देखिए कि अगर आप ये पोर्शन को हटा दें तो ये पोर्शन जो होगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, WB इंटू 100 बाय VML अगर आप कर देते हैं तो ये वैल्यू जो है वो ये हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मोलैरिटी का एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इंटू, देखिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये बन गया, चेंज हो गया, इंटू 10 बाय MB इंटू 10 बाय क्या हो जाएगा MB हो जाएगा, ये फॉर्मूला जो है वो जनरेट हो गया, वेयर MB इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है ना, मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट ये हो जाएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट, सही। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर C1 तो IC1 की जगह पर हम लिख सकते हैं I इंटू, ये लिख सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 10 बाय MB, और ये किसका हो जाएगा Na2SO4 का .10H2O का, ये इक्वल टू हो जाएगा आपके I इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 10 बाय MB ऑफ किसके, X के, सही है ना। ये बात यहाँ तक के समझ में आ रही भाई, ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, नहीं अगर समझ में आई तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा, समझ बिल्कुल आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी दी गई, 3 दी गई, Na2SO4 का आई कितना है, 3 वेंट ऑफ फैक्टर आई, 3 आयन आपको मिले हैं, इनटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो कितनी दी गई Na2SO4 की, 5 दी गई है, ठीक है, ये वैल्यू 5 दी गई, इनटू क्या हो जाएगा 10 बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है, हाँ भाई दिया है 322 दिया हुआ है, तो ये 322 हो गया इक्वल टू, अब यहाँ आई की वैल्यू कितनी है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है 1 रख देंगे, इनटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज 2 दिया हुआ है, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट हमको एक्स का पता करना है, ठीक है, तो हम इसको MX लिख दे रहे हैं, ठीक है, सही। यहाँ से 10 से जो होगा वो 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से जो होगा वो क्या होगा 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो जरा MX की वैल्यू आपको पता करनी है, यानी MX इधर लाना है आपको, MX इक्वल टू क्या हो जाएगा, MX इधर लाना, बाकी पोर्शन इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 322 बाई हो जाएगा 3 इंटू 5,
ठीक है ना। जब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये वैल्यू 42.9 आएगी। आप इसको एक बार चेक कर लेना, 42.9 समथिंग आती है वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से इसका मॉलिकुलर वेट आप कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हैं, तो पाई वन इक्वल टू पाई टू किया। अब आप वांट फैक्टर आई क्यों लाए? आई आप इसलिए लाए क्योंकि आपको एक इलेक्ट्रोलाइट एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू 1 होती है, इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयन मिलते हैं उतनी होती है। तो यहाँ पर आपको Na2SO4 को ब्रेक करोगे, वाटर का को कंसीडर नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा Na प्लस और ये हो जाएगा आई की वैल्यू 3 आयंस आपको मिले, आई की वैल्यू 3 हो गई। फिर आपने यहाँ पर सी क्या होती है, मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी को वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में चेंज करने का मैंने आपको मेथड बता दिया। आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट। तो इतना पोर्शन जो है वो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, यानी कि आप वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 10 mb कर देंगे। तो यहाँ से एक ये फार्मूला मोलैरिटी का जनरेट हो जाएगा। आपने यहाँ पर ये फार्मूला लगाया और डेटा को रख के आंसर आपका आ जाता है।